शरद पवार, उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। गेटवे ऑफ इंडिया से शिवाजी प्रतिमा तक ये मार्ग जो है वो निकाला जाना है। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि लगातार शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर पॉलिटिक्स जारी है। 26 अगस्त को महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग के मालवन में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अचानक ढह गई। तब से लेकर अब तक ये मामला लगातार गरमाया हुआ है। हालांकि मूर्ति गिरने के केस में 2 लोगों पर केस भी दर्ज हो चुका है, लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। अब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के घटक दल आज दक्षिण मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने इस पर महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना की थी। जहां उद्धव गुट ने पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग की थी, तो वहीं अब प्रदर्शन का भी आह्वान आज के लिए किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जबरदस्त हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने माफी मांगी, और ना केवल अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री उन्होंने माफी मांगी, बल्कि साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्वजनिक मंच से इस घटना के लिए माफी मांगी। रुक रहे हैं।